बांग्लादेश की राजधानी ढाका के डिप्लोमेटिक इलाके में आतंकी हमला, रेस्टोरेंट में 20 को बनाया बंधक, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार की वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस कराने की योजना, इसी साल दिसंबर में अयोध्या में हो सकता है आयोजन। सात जुलाई से चार देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या का दौरा, व्यापार, ऊर्जा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर रहेगा जोर। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, अब तक 30 लोगों की मौत, पिथौरागढ़ और चमोली में हालात सबसे ज्यादा खराब। हरीश रावत ने राजनाथ सिंह से की बात, आज देहरादून और हरिद्वार में बंद रहेंगे स्कूल। पिथौरागढ़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची इंडिया 24/7 की टीम, सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मथुरा के निजी अस्पताल में लिफ्ट से एक युवक की मौत, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच, अस्पताल प्रशासन खुद को डिफेंड करने में जुटा। पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए बेस कैंप से यात्रा शुरू, पहलगाम से 5,500 भक्तों का जत्था रवाना, तो बालटाल से 5,000 भक्त निकले यात्रा पर, सुरक्षा बलों की कड़ी नजर।